ग्वालियर के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एचओडी मैडम से परेशान छात्राओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते कॉलेज के गेट पर धरना दिया। कॉलेज छात्राओं का कहना है कि एचओडी मैडम आए दिन उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करती हैं। इतना ही नहीं, एचओडी मैडम की मारपीट में कई छात्राएं घायल भी हुई। ऐसे में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं में भय का माहौल है। आपको बता दें कि छात्राओं के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रही रुचि गुप्ता ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्राओं के साथ हक की आवाज उठाई। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की एचओडी मधु सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि कॉलेज प्रबंधन एचओडी मधु सिंह को अभी पद से हटा दिया गया है, लेकिन छात्राओं की नाराजगी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हटाने के बावजूद भी क्लास में आकर छात्राओं को धमका रही हैं। उनके मोबाइल छीनकर उनसे मारपीट की गई, तो वही हंगामे की सूचना पड़ाव थाना पुलिस को भी पहुंची, जिसके बाद पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज छात्राओं को समझाइश दी। वहीं छात्राओं ने अपना शिकायती आवेदन पत्र महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया, जहाँ प्रिंसिपल द्वारा एचओडी मधु सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। नहीं, मेरा विवाद कुछ नहीं है। ये विवाद है कि वो आती हैं, अब शब्द बोलती हैं क्लास में, हैं बहुत ज्यादा अब शब्द बोलती हैं। ये कहती हैं कि किसी भी उस पे जाओ, किसी भी मतलब किसी भी दूसरे मर्द से रिलेशन बनाओ, कहीं भी जाओ, पैसे ले आओ, पल्लू गिरा दो, ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं क्लास में। और कल से ये शिकायत कर रही हैं कि जो यहाँ की एचओडी थी मैडम, वो यहाँ के प्रिंसिपल की वाइफ हैं, और एचओडी महोदया जो हैं वो थप्पड़ मारती हैं, वो मतलब पकड़ती हैं, मेरे ख्याल से हाथ वाथ झटकती हैं, और जो ब्यूटी पार्लर का है वो पूरा अपने ऊपर करवाती हैं, बच्चियों की सुनती नहीं। हटा दिया गया था तो इनको हमारी क्लास में आना था ही नहीं। जब हमारी नीतू सक्सेना मैम क्लास ले रही थी, तो ये हमारी बीच क्लास में आकर हम लोग को, जो कल हमने इनकी शिकायत की थी, उस बात के लिए आती हैं। पहले तो हम लोग को टारगेट करती हैं, जोर जोर से चिल्लाती है, शाबाशी देती, शाबाशी के रूप में हमें पीछे बहुत जोर जोर से मारती है। आज अभी थोड़ी देर पहले महिला पॉलिटेक्निक से प्रिंसिपल साहब ने डायरेक्ट हमें फ़ोन किया था थाना पड़ाव पे, कि यहाँ पर कुछ लोग कल की घटना को लेकर के, कल बच्चियों के साथ कोई यहाँ की जो फैकल्टी मेम्बर है कुछ वार्तालाप हो गया था, उस पर से लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। तो इस सूचना पर हम आए थे, तो यहाँ प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, बच्चियों के द्वारा उनको आवेदन पत्र दिया जा रहा है, और आवेदन पत्र को नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल साहब आगे फॉरवर्ड